ठीक है, तो वो ले लेना। उसके बाद सपोज जैसे आप दो लोग हो तो 400 यहाँ पे लगी हुई है। शिव जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे। तो भाई सो के उठ गए थे, थोड़ा गाड़ी में सो गए थे, बट उनकी देखिए हम आ गए नागेश्वर टेम्पल जी पे। तो यहाँ पे प्रसाद मिलता है, अंदर आप बाहर से भी ला सकते हो, बट हम लाइन में लगे हुए जा रहे हैं। बाकी अंदर जाके दिखा सकते हैं आपको, तो आपको भी दर्शन करा देंगे। गाइस दूर से दिखा देते हैं आपको ये नागेश्वर जी के। तो गाइस ये था नागेश्वर टेंपल, नागेश्वर जी दर्शन लेंगे। तो यहाँ पे जितना भी आपको दिखा सकते थे, जितने पास जगह वो दिखा देते आपको, क्योंकि इससे पास जाके तो मेरा उससे दिखा दो। ये देखिए गाइस बस में वगैरह, बस में यहाँ पर गाइस। तो गाइस ये था, बाकी अब एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से। बहुत अच्छे दर्शन है, बहुत अच्छे, यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है। यहाँ कुछ नहीं, आपको क्या करना है, आप जाना पूजा का टोकन मिलता है वहाँ पर। अगर आपको बहुत पास से दर्शन करना है, पूजा का टोकन लेना, 250 रुपये की थाली देते हैं। उसमें नारियल होता है, नाग नागिन का जोड़ा होता है, चुनरी होती है, फूल होता है, वो प्रसाद होता है। पता नहीं कहाँ चली गई। तो आपको वो ले लेना। फिर जो जेंट्स होंगे उनको धोती पहननी है, लेडीज़ या उनके साथ जैसे मैं होंगे कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई कोई ड्रेस कोड नहीं है, बट जेंट्स का धोती है, ठीक है, तो वो ले लेना। उसके बाद सपोज जैसे आप दो लोग हो तो 400 पर बंदे 200 रुपये, तो 400 रुपये का आपका टोकन कटेगा पूजा का। वो लेने के बाद दो लोग हो गए, पूजा की थाली होगी, 450 रुपये में आप लोग अंदर चले जाएंगे। बिल्कुल पास से आप ज्योतिर्लिंग पे आप दर्शन करेंगे, अच्छे से पंडित जी वगैरह मंत्र बोलेंगे, और आप चढ़ाओगे अपने हाथ से हर चीज़, छू पाओगे, और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, आपकी आत्मा तत्व हो जाएगी, लगेगा कि आपने हाँ अच्छे दर्शन करें। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, और यहाँ पे लाइन भी लग रही है जैसे। और भैया सॉरी पैर झुल गए, ठीक है गाइस। तो ये देखो लाइन है पूरी, जाओ जाओ भाग के जाओ, ये लाइन है पूरी, तो कोई धक्का मुक्के नहीं है यहाँ पे, सब बढ़िया से है। तो यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे हमारा हमारे दर्शन बहुत अच्छे थे, और उनकी चप्पलें ढूंढने जा रहे हैं, उनकी चप्पलें नहीं मिल रही है, मिल गई मिल गई, ठीक है। तो अब चलते गाइस, ये देखो ये बहुत ही प्यारी मूर्ति, इतनी बड़ी मूर्ति यहाँ पे, इतनी आलीशान मूर्ति है यहाँ जो यहाँ पे लगी हुई है शिव जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे, नाइस। एकदम एंटर करते हैं, इतने ह्यूज है ना, बहुत ह्यूज है, तो गजब एकदम। देखो गाइस कितने अच्छे लग रहे हैं, देखो नीचे दिखाता आपको पूरा ना, देखो 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 देखो, जय भोलेनाथ जी की, जय भोलेनाथ जी की, कितने सारे कबूतर बैठे हैं भोलेनाथ जी के, बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, मतलब कैमरे में इतने ह्यूज लग रहे, पर सामने से देखने में बहुत ही, देखो गाइस, ठीक है। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस आ गए हम लंच करने, अभी नागेश्वर टेम्पल से दर्शन करके आ गए थे। तो ये रेस्टोरेंट देखा अच्छा था, तो यहीं कर लिया, हमारे जो ड्राइवर अंकल उन्होंने बोला कि यही है, तो यहीं कर लेते हैं, बाकी अब चलते हैं लंच वगैरह करते हैं। आज का तो बस अब खत्म, मतलब इन सेंस ये कि आज और भी तो नहीं जाना, अब हमें कोई यहाँ से क्योंकि ठिकाना नहीं मिला अपने जहाँ पर पहुँच सकते, क्योंकि आज का जो दिन बचा कल का ट्रैवलिंग भी रहेगा, और तो होगा जो भी होगा, थोड़ा जो प्लान करा हुआ है वो आपको दिखा देंगे आज ब्लॉग में, ठीक है। तो चलते हैं अपना लंच वंच करते हैं अच्छे से, ठीक है गाइस। नींद आ रही है भाई, सो के उठ गए थे, थोड़ा गाड़ी में सो गए थे,
बट उनकी यूपी लगाई थी, लीड निकाल रही थी, मतलब एयरपोर्ट निकाल रही थी कानों में से। अब मैं नींद आ रही थी, मैंने क्यों निकाल रही है। और टाइम हो रहा है 5:11, टाइम 5:11 हो रहा है। ये पेट्रोल भर रहा है हमारी गाड़ी में, पेट्रोल सीएनजी जो भी है भर रही है। आज देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाएंगे, जहाँ तक राजकोट पे ही अपना स्टॉप लेंगे पहले। ओके गाइस, तो चलो बैठेंगे अभी गाड़ी में। फिर तो गाइस, अब हमने एक यहाँ पर स्टॉप लिया है, यहाँ हम पीने रुके हैं चाय कॉफ़ी वगैरह। अच्छी जगह लग रही है, बड़ी खूबसूरत है। ये हम जामनगर में ना मम्मी, हाँ जामनगर में। तो यहाँ स्टॉप लिया एक तो चाय कॉफ़ी पीने के लिए। तो भाई अभी चलते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ी नींद नींद से जगते हैं। 2-3 घंटे का रास्ता होता है बचा है राजकोट का, फिर वहाँ जाते हैं अपना रुकेंगे, वहाँ जाके चलेंगे। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं और फिर आपसे थोड़ी देर मिलेंगे, करेंगे शेयर अपनी आगे की जर्नी। हिम्मत ही नहीं हो रही आज तो, बिल्कुल भी सारा टाइम सफ़र में निकल गया। चलो मिलते हैं फिर। ठीक है गाइस, ज़्यादातर ना वॉशरूम्स के बाहर आपने देखा होगा कि लेडीज़ जेंट्स ऐसे लिखा हुआ होता है, बट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है भाई, ताश के पत्ते लगा दिए। अब समझने वाला समझ जाए, ना समझने वाला नहीं समझेगा। तो ज़रा हो जाते यूज़ कराते फिर मिलते हैं। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through.